alaikum, my name is Saida Zain Fatma. I am lecturer computer science. This is lecture number 3 of website SEO series. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी टाइप्स ऑफ SEO. हम बात किसकी कर रहे हैं, वेबसाइट SEO की. तो यहाँ पे जो SEO की मेन टाइप्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल SEO की तीन टाइप्स हैं. तीन भी क्या, SEO की बेसिकली दो ही टाइप्स होती हैं, जिनमें एक ऑन पेज SEO है और दूसरी ऑफ पेज SEO है. लेकिन इन दोनों में से जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको अलग करके एक तीसरी टाइप बना ली गई है, दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल SEO. सो होती बेसिकली दो टाइप्स ही हैं, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO. लेकिन टेक्निकल SEO की अगर बात होगी तो नाम में ही काम है, आपको पता चल जाएगा यहीं से कि आज जब हम वेबसाइट की टेक्निकलिटीज़ को देखते हैं तो हम कहेंगे कि SEO को कंसीडर करते हुए जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी टेक्निकल SEO में आएंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन पेज SEO क्या होती है. एज अ मार्केटर, ऑन पेज SEO इज़ लाइकली द टाइप यू आर मोस्ट फेमिलियर विद. कि एज अ मार्केटर आपकी सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जिस SEO से होती है वो ऑन पेज SEO होती है. ऑन पेज SEO को आप ऑन बोर्ड SEO भी कह सकते हैं, यानी जब आप किसी चीज़ को 100% खुद से हैंडल कर रहे हों, आपके कंट्रोल में हो और आप चीज़ों को चेंज कर सकें. मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है zareenacademy.com. अब ये मैं उसके डैशबोर्ड में हूँ इस टाइम, या आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड है उसका, वेबसाइट का पूरा खुला हुआ है. ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने रीसेंट आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं. अब इसमें क्या है, इसकी साइट किट में इसके सारे एनालिटिक्स मैं देख सकती हूँ. जितनी भी पोस्ट अगर कोई मैं नई ऐड करनी चाह रही हूँ, कोई कैटेगरीज ऐड करनी चाह रही हूँ, कोई मीडिया फाइल्स हैं, कमेंट्स हैं यहाँ पर, और ये कुछ प्लगइन्स हैं, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं. और ये सारा काम जो मैं खुद से कर सकती हूँ और इसको अपनी मर्ज़ी से 100% चेंज कर सकती हूँ, या इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस करनी है कर सकती हूँ, तो ये चीज़ कहलाएगी ऑन पेज SEO. ऑन पेज यानी ऑन बोर्ड SEO, जब आप डैशबोर्ड में होते हैं अपनी वेबसाइट के, उसको सारा देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ हम कहते हैं कि जी ये ऑन पेज SEO कहलाती है और सबसे ज़्यादा हमारी इंट्रैक्शन इसी के साथ होती है. दूसरी जो टाइप है दैट इज़ ऑफ पेज SEO. ऑफ पेज SEO यानी आप ऑन द बोर्ड नहीं हैं, चीज़ें 100% आपके कंट्रोल में नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते. ऑफ पेज SEO रेफर्स टू एक्शंस टेकन आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट टू इम्पैक्ट योर सर्च रैंकिंग. सर्च क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. यानी अगर मैंने सर्च किया बेस्ट रनिंग शूज़, तो जो भी रिजल्ट में पेजेस आए हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के, वो सर्च कहलाते हैं. तो उनकी जो रैंकिंग्स हैं, किस तरह से गूगल उनको रैंक करेगा और सारे एक्शंस आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट लिए जाएंगे, वो चीज़ ऑफ पेज SEO कहलाती है. ये थोड़ी सी मुश्किल होती है आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑन पेज SEO में अगर यहाँ पे देखूँ तो सारी चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकती हूँ. ये जैसे मैंने SEO भी की हुई है मुख्तलिफ चीज़ों की, कई की अभी कम की हुई है, कई की ज़्यादा की हुई है, तो ये चीज़ें सारी ऑलमोस्ट मेरे कंट्रोल में ही हैं. लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं देखूँ बाहर से, एज अ व्यूअर मैं देखूं, तो ये मेरी वेबसाइट है, कोई भी अगर बंदा आ रहा है तो ये इस तरह से इन चीज़ों को लेता है. तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेटजीज लगानी होती हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट डैशबोर्ड, उस चीज़ को ऑफ पेज SEO कहा जाता है. ओके, तो तीसरी चीज़ जो है वो टेक्निकल SEO है, जिसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं. टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं, जैसे वेबसाइट के आप साइट मैप्स जो हैं उनको जब इंडेक्स कराते हैं, साइट मैप सबमिट करवाते हैं. साइट मैप क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि मेरी वेबसाइट किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका, उसकी नेविगेशन किस तरह की है, उसमें पेजेस किस तरह से हैं, उसकी अरेंजमेंट किस तरह से है, यानी उसकी पूरी हायरार्की जो होती है हमने गूगल को समझानी होती है एक मैप के तहत, दैट इज़ कॉल्ड साइट मैप. अब वो जो चीज़ है वो ऑन पेज SEO में बेसिकली आती है, लेकिन वो टेक्निकल चीज़ है, दैट्स वाई हम उसको टेक्निकल SEO में ले आते हैं. दूसरी चीज़ जैसे रोबोट्स TXT, वो जो फाइल का सारा काम होता है वो भी टेक्निकल चीज़ है. परमा लिंक्स वगैरह हमारे जो होते हैं, लिंक इंडेक्सिंग जो होती है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं. सो इनको हम टेक्निकल SEO में ले आते हैं. अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मेन जो पॉइंट है यहाँ पे बताए हैं कि ऑन पेज SEO क्या होती है, फ्रॉम द डैशबोर्ड ऑफ योर वेबसाइट, और ये 100% इन योर कंट्रोल होती है. ठीक है, आप इसको अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड से करते हैं. जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाया
के डैशबोर्ड मेरा अगर वेबसाइट का ओपन है, यहाँ पे मैं जितने मर्जी चेंजेस कर सकती हूँ, मैं पब्लिश्ड अपनी पोस्टें जो भी हैं उनको निकाल सकती हूँ, जो ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं उनको निकाल सकती हूँ, या मैं कहूँ कि नहीं भाई मुझे ऑल अपनी जो पोस्ट है वो देखनी है, तो मैं यहाँ से सबको देख सकती हूँ। अब इनकी SEO भी चेंज कर सकती हूँ, इनके कीवर्ड्स चेंज कर सकती हूँ, सारा कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ जो है 100% मेरे कंट्रोल में है, तो उसको मैं कहूँगी कि ये ऑन पेज SEO है। दूसरी है ऑफ पेज SEO, वो भी जैसे मैंने दिखाया कि अगर आउटसाइड ऑफ द डैशबोर्ड हैं आप अपनी वेबसाइट के और चीज़ें 100% आपके कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पे गूगल किस तरह से आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करेगा, किस नंबर पे आपकी वेबसाइट रैंक होगी गूगल में, ये चीज़ आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। ये गूगल के बॉट्स होते हैं, गूगल के एल्गोरिदम्स होते हैं, जो अपने हिसाब से आपको रैंकिंग्स देते हैं गूगल में, ठीक है। गूगल के अलावा बाकी सर्च इंजन्स में भी, जिनमें याहू भी है, बिंग भी है और बहुत सारे हैं, सफारी है आपका। तो टेक्निकल SEO जो है इसमें इन्वॉल्व होती है जी, टेक्निकल चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे साइट मैप्स हैं, robots.txt फाइल है आपकी, लिंक इंडेक्सिंग है, परमालिंक्स है, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल थोड़ी सी होती हैं, बेसिकली ये पार्ट मेनली होती हैं ऑन पेज SEO का ही, लेकिन इनको हमने कहा कि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, सो इनको निकाल के एक अलग ही इनकी टाइप बना दी और कह दिया कि जी ये टेक्निकल SEO। आई होप आपको समझ लगी होगी कि सिर्फ तीन किस्म की है, तो बेसिकली दो, लेकिन आपकी आसानी के लिए तीन किस्म की SEO होती है। एक होती है ऑन पेज, दूसरी होती है ऑफ पेज और तीसरी होती है टेक्निकल। ऑन पेज जो 100% आपके कंट्रोल में होती है और आप वेबसाइट के डैशबोर्ड से उसको लेके चल रहे होते हैं, ऑफ पेज वो जो 100% आपके कंट्रोल में नहीं होती और ये गूगल ही इसको देखता है कि किस तरह से उसने आपको रैंक करना है या नहीं करना है या किस पोजीशन पे करना है सर्च में। और तीसरी है जी टेक्निकल SEO, यानी आप टेक्निकल चीज़ों को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे और रैंकिंग्स के लिए लेके चलेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आपके सवालों के लाजमी जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।